सदन के ध्यान में आ गया सर। अच्छा अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहा हूं मैं। रही बात अभी सरकार को बने हुए डेढ़ महीना ही हुआ है और मैं विपक्ष के जो हालात देख रहा हूं, मैंने भी लोकसभा भी देखी, विधानसभा भी देखी, जिला परिषद भी देखी, पर पहली बार शायद यादव आप लोगों से पच नहीं पा रहा कि एक डेढ़ महीना नहीं निकाल पा रहे तो आप 5 साल कैसे निकालोगे। आपका 5 साल में क्या हाल होगा? ये भी दुख है कि आपको मंत्री नहीं बनाया, हमें भी तकलीफ है इस बात की। मंत्री तो बनना, ऐसे वरिष्ठ है और इतनी अनुभवी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। आप मेरी अगर सदस्य तो निश्चित रूप से आपका जो नंबर है आप ही बोलना। नहीं, अगर मैं छेड़ नहीं रहा हूँ साहब, आप बोलिए कि कभी भी आपने भी देखा है अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष जरा सी बात होती उसी वेल में आ जाता है, इस तरह का स्तर तो कभी विपक्ष का देखा ही ना, तो इससे लोकसभा जीत सकते इस तरह के आचरण से। आप ये सोच रहे हो लोकसभा तक ऐसे हंगामा मचाते रहेंगे इस तरह से? एक मुख्यमंत्री को बने हुए, सरकार को बने हुए, भाषण पे आ रहा हूं, वो भाषण आपसे जुड़ा हुआ है, भाषण आपसे जुड़ा हुआ है कि सरकार को बने हुए डेढ़ महीना हो गया। अभी आप ईआरसीपी पे हल्ला मचा रहे थे, ईआरसीपी हल्ला मचा रहे थे, डेढ़ महीने के अंदर समझौता कर रहा है। अब बजाओ तालियां मुख्यमंत्री के लिए, करो मुख्यमंत्री के लिए बढ़ाइया कि एक मुख्यमंत्री डेढ़ महीने में ईआरसीपी का समझौता लागू कर दिया जो आप 5 साल तक नहीं कर पाए। बजाओ ताली। बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय सदस्य फिर आपका भी बोलने का नंबर है, फिर डिस्टर्ब होंगे। कोई भी सदस्य किसी की ओर बोल रहा है शांतिपूर्वक सुनेंगे, इधर के बोलेंगे ये करेंगे ये बोलेंगे इधर के करेंगे। कृपया नहीं बोले राज्यपाल के अभिभाषण पर। माननीय सदस्य, जो मैं खड़ा हूं, क्यों आ रहे हो साहब? ये व्यवस्था ठीक नहीं है। एंटी गैंगस्टर फोर्स बढ़ा देना डेढ़ महीने में, डेढ़ महीने के अंदर एसआईटी बना देना, एंटी रोमियो को तत्काल रूप से मजबूती से लागू कर देना, और मोदी जी की जो गारंटी है, जिसकी गाड़ी राजस्थान में घूम रही है कि भाई हर घर को छत मिले, हर इंसान को अन्न मिले, 450 में सिलेंडर कर देना, जो अच्छे काम है उनके लिए। तक आपके कार्यकाल में हुआ क्या? आपस में लड़ते रहे, विधायकों को खुश करने के लिए जो मांगा विधायकों ने वही दे दिया, जो मांगा। आपने एक बार भी सोचा कि राजस्थान के हित में जो फैसला हो रहा है? उस टाइम तो आप मंत्री थे, सरकार थी आपकी, एक बार तो सोचते मेरे अपने जिले से ही लेता हूं, मेरे जिले के 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। अब अभी तक ये नहीं पता कि उन 3 टुकड़ों के अंदर आदमी जिला परिषद के लिए अलवर जाता है, कलेक्टर से मिलने जाता है कोटपुतली, खैरतल का कहां जाता है। ये इतनी भारी परेशानी हो रही है, उसका नुकसान हम लोगों को हो रहा है। रोज कहते हैं साहब कुछ करो कुछ करो कुछ करो, करें क्या? आपका सारा बिगाड़ा हुआ काम उसको सुधरे कैसे? थोड़ा तो उस टाइम ध्यान दे लेते क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। करना पड़ेगा, 3 पहले ही है। आप वो आपका बोझा तो ढोना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान चलाना है, पर आपके ही विभाग के अंदर नगर पालिका बढ़ा दी, सरपंच को उठा के चेयरमैन बना दिया, उस बेचारे के पास कुछ साधन नहीं, ना ईओ है, ना उसके पास में स्टाफ है, ना कुछ और है, बना दिया, जगह जगह खोल के खड़ी कर दी, डेली मुसीबतें खड़ी हो रही है वहां जाके। नगर परिषद बना दी, नगर निगम बना दी, पर कम से कम ये तो देखते कि इनकी चलेगी कैसे, लोगों का काम कैसे निपटेगा। पंचायत समितियां खोल दी, आज ताज्जुब की बात, एक तहसील खोल दी, एक तहसील के अंदर दो दो तीन तीन तहसीलों का जवाब है, जहां हमारे विपक्षी नेताजी बैठे हैं, इनका भी एक तहसील मानना आती है, उसके अंदर तहसीलदार का ही आता पता नहीं होता, पूछते हैं तो उस तहसील में गया, उस तहसील में गया, उस टाइम बोलना चाहिए था।
कि हम कर क्या रहे जब हमारे पास में ना तो स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हम उनसे कुछ कर सकते, तो लोगों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खोल दिया आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जी के नाम पे, कहाँ गए पढ़ाने वाले, कहाँ गए पढ़ने वाले, क्या हाल हो रहा है उन स्कूलों का। एक बार तो सोचते हर चीज के अंदर, केवल डेढ़ महीने में इतनी बड़ी उपलब्धियां एक मुख्यमंत्री ने कर ली, उसकी बजाय अपना कर्मों को देखो। अगर सच कह रहा हूं मैं, जितने जिले खुले थे आपके, मेरे ख्याल 19 जिले खोले थे या 15-16 कितने खोले थे जो भी, मुझे याद नहीं है, वो ही हार गए। एक भी खैरिया जी जाना पता नहीं कैसे जीत गया सर, इसलिए याद नहीं। उम्र तो अब उम्र तो है ही नहीं, अब उम्र का तो क्या कर सकते हैं, उम्र का तो कोई इलाज मेरे पास भी नहीं है। और ये है कि मेरा दिमाग शायद आपसे बेटर हो सकता है। ये रोज योग करते हैं। हाँ, वो टेक्निक मेरे पास नहीं है जो आपके पास थी। माननीय सदस्य रोज ये योग करते हैं, इसलिए इनका दिमाग अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही एक बात कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, करो स्वागत मुख्यमंत्री जी का, ईआरसीपी लागू करा के लाए, ताली तो बजा दो डोटासरा जी, ताली तो बजा दो, फेस तो थपथपा दो, कुछ तो थोड़ा लिहाज कर लो, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला कर लेके आए डेढ़ महीने में। अरे रो सुनने आ गए, वरना तो वैसे ही जाता बेकार है। माननीय सदस्य बेकार क्यों जाता? अरे माननीय सदस्य आप बोलिए, बोलना जा रहा। जुबेर खान जी कि आप जो और कहें तो थोड़ा ठीक रहेगा, कुछ ना कुछ मुझे फायदा ही मिलेगा। पर जब डेढ़ महीने में इतने काम हो सकते हैं, तब लगा लो 5 साल में कितने काम होंगे सत्ता का। और एक चीज निश्चित रूप से, माननीय विपक्ष के नेता जी, मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा पद मिला आपको, और अभी तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। यह आज की बात, सबके भाग्य में ये नहीं होता है, पर हर मिनट के अंदर वेल में आ जाना ये रिकॉर्ड होता है। इसका मैसेज कुछ दिनों बाद में नौटंकी का मैसेज चला जाएगा, ये तो नौटंकी बात है। एक गंभीरता होती है, मेरा इनका संबंध है वो तो पारिवारिक है, पर पार्टी तो अलग अलग है, सिद्धांत तो अलग अलग है। अच्छे काम के लिए मैं उनको एक जो मेरे दिमाग में आया वो अच्छी सलाह तो दे ही सकता हूँ। मैंने किसी के भी भाषण में बीच में न बोले, मैंने सिद्धांत उस दिन बदले जब डोटासरा जी ने अपने महकमे में नकल कराई, नकल करा के फिर चुप हो गए, तो मैंने कहा उसके अंदर मैंने सिद्धांत बदले। जब अगर आप उस टाइम जो आज मुख्यमंत्री जी ने SIT बनाई, उस टाइम आप भी गठित कर देते, भाई अपन पाक साफ थे, कार्रवाई करने में क्या दिक्कत थी? पर तब तो आप चुप रह गए। वो कर लेना, पाक साफ थे, पाक साफ रहेंगे। माननीय सदस्य देखिए, आप कंटिन्यू रहिए, मुझे तो आपकी ये जांच की, जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जांच जब तक एक बार में अगर हमारे मुख्यमंत्री जी आपकी सारी जांच खोल जाए तो कम से कम विधानसभा सही चलती रहे। आप जांच के डर के मारे हर मिनट में वेल मार रहे हो, एक मिनट भी काम नहीं करने दे रहे हो, कोई बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है, रास्ते में स्वागत हो रहा है, आप यहां हल्ला मचा रहे हो। ये अभी भाषण नहीं है, और इसके अंदर क्या होता है? आप बैठिए। अरे आप भाषण नहीं, माननीय सदस्य आप चौथी बार खड़े हुए हैं बिराजो, एक एक अभी 5 मिनट में चौथी बार खड़े हो बिराजो, आप बिराजे 5 मिनट के भाषण में 4 बार खड़े हो, ठीक नहीं। सरकार का अभिभाषण होता है, सरकार का विजन। बैठूंगा समय पूरा होने पे,
लाठी का बाड़ा, ये तो सरकार का विजन। और मुझे तो ये ताजुब आता है, इसका मतलब ये नहीं नेता जो प्रतिपक्ष है उसको आप इस तरह दबाते रहोगे। ये एससी का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये दबाते रहोगे और अपनी दादागिरी दिखाते रहोगे। उनको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने मेरे को इंगित किया, मैं न कोई दबने वाला हूँ न मैं दबाऊं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अरे भाई ये चौकी होगी तो आपका जाना है। विपक्ष के नेता दो नहीं, इन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए मैं खड़ा हूँ। नेता आप तो मैं बहुत जो है ना, आप तो इनको अध्यक्ष है, इनको बोलने का यहाँ अधिकार नहीं है, आप इनको बोलने मत दिया करो। नहीं देखिए, यहाँ जो सदन में आए सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बोलते रहे, आवाज उठाने के लिए आए। फिर मैं एक चीज का धन्यवाद आपको भी देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सदन में आज पधारे हैं, पहली बात तो कम से कम कोई मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है। अरे रुको, कोई कम से कम मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री की चर्चा हो। सदन के राज्यपाल के अभिभाषण पे मुख्यमंत्री का जिक्र ही नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी की तो देन नहीं है। अरे प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो मुख्यमंत्री है आज प्रधानमंत्री मोदी की। अरे सारे काम बोलने दे दो रहे, अरे देखिए गारंटी पर भाई इनका समय सीमा है। अब मैं इससे ज्यादा कृपया न करें अध्यक्ष जी, मेरा तो आपसे आग्रह यह है कि एक तो मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है मोदी की गारंटी पर ही सब कुछ हो रहा है। पहला दुनिया का प्रधानमंत्री है जो एक एक गली तक पहुंच रहा है, लोगों को एक एक गली तक पूछ रहा है कि आपकी क्या परेशानी है, आपका काम, आपका क्या रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, KYC बना। आज तक किसी दुनिया के प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा। राम मंदिर बने तो आपको दिक्कत, बीच में मत बैठो, आपको दिक्कत, आपका नंबर आएगा फिर ये बोलेंगे माननीय सदस्य, आपका भी नंबर आ रहा है। का नाम ले तो आपको दिक्कत, राम मंदिर बने तो आपको दिक्कत, और कोई चीज हो तो आपको दिक्कत, पर आप कम से कम अपने आचरण को इस तरह हल्ला मचाने से, जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, मेरी भी गारंटी है लोकसभा में इससे वोट में फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे लोकसभा में आप लोगों ने जो तय कर रखा है ना, बिना बात को वेल मार के शोर मचा देना, आपके दिमाग में किसी ने गलत चश्मे चढ़ा दिए कि चुनाव यही है, इससे बढ़िया भाषण हो नहीं सकते। आप ऐसे देते थे मुझे पता है, अरे आप भी ऐसे देते थे, बता मैं अभी भाषण में जो मुझे आएगा वही तो बोलूंगा, जो मेरी समझ में आएगा। राजपाल जी का जो विजन है, उनको टाइम दिया, राजपाल जी का विजन यही है कि राजस्थान आगे बढ़े। माननीय सरकार, माननीय सदस्य आपका भी मैंने भाषण रिकॉर्ड निकाल लूंगा, सरकार पारदर्शिता से काम करे, सरकार तुरंत फैसले ले, वो सब ले रही है और आगे लेते रहेंगे, पर जांच जरूर कराएंगे, मानेंगे नहीं जांच कराए बिना। अब उससे जो जो घबरा रहे वो बार बार आते रहो, जांच तो होनी है, जल्दी खत्म करिए। मैं तो मिनट दिया आपके पार्टी ने, आपके आदेश की पालना करूंगा, इतना ही है कि इससे अच्छी सरकार बन नहीं सकती। एक जो इससे अच्छा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी और डोटासरा जी, जो मेरे मंत्री की बात करें, आप जिस दिन मन से सिफारिश कर दो उस दिन बन जाऊंगा मैं, करनी पड़ेगी मन से आपने तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ शिक्षा लो, अच्छे उससे लो, अपने कर्मों को भूलने की कोशिश करो, सरकार का सहयोग करो, जो आपके हुए कर्म है जिसकी सजा मिल रही है, आपको उधर बैठने का मौका मिला है, इससे ये सीखो कि निश्चित रूप से आपसे गलतियां हुई हैं। आपने पूरे राजस्थान को चरमरा के रख दिया, अराजकता का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, किसी तरह की कोई वो नहीं थी, हर विधायक को मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया था, चाहे हर चीज के अंदर हिस्सेदारी तय हो चुकी थी, इससे बड़े और घोटाले नहीं हो सकते। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये रोजाना जो आए दिन घटनाएं घटती है ना, जो नौजवान गुमराह होते, बेरोजगार आदमी हमेशा गलत रास्ते पे जाएगा, और उसका मुख्य कारण है जहाँ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर राजस्थान के जो बेरोजगार है उनको ये कहकर गेट से वापस कर दिया जाता है। हुआ तो ये आपके कार्यकाल में इस तरह का वातावरण,
पर कर दिया जाता है कि आप लोग कर लो, इसलिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी विनती है और आपसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि निश्चित रूप से आप बेरोजगारों के लिए लोकल इंडस्ट्रियों के अंदर रोजगार दिलाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना हरियाणा की तरफ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री हरीश चौधरी।